बिहार से सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी। राजीव स्वागत है आपका। बिहार में पहला चरण हो चुका है राजीव जी, अब सवाल ये उठता है कि पहले चरण की परफॉर्मेंस के लिहाज पर इस वक्त क्या आकलन है आपका पार्टी का? देखिए, 5 चरण में बिहार में चुनाव होने हैं और जो पहले चरण का चुनाव हुआ है ये बहुत हद तक जो हमने ग्राउंड स्तर पर पता लगाया है और जो हमारा अनुमान भी था, हम लगभग 60-40 के रेशियो में हैं, जबकि इसे बहुत हमारे लिए मजबूत क्षेत्र नहीं माना जाता है। जब यहाँ ऐसा परफॉर्मेंस है तो अगले 4 फेजेस में जो चुनाव हैं एक में थोड़े से कमी होने की गुंजाइश है, और ये अगर सिलसिला चलता रहा, इस प्रकार का जो सपोर्ट और समर्थन दिखता रहा, जिस प्रकार से महिलाएं निकल के आएं, जिस प्रकार से ग्राउंड में यूथ का समर्थन था, मुझे लगता है कि एक बड़े बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में चल रही है। जिस तरह की चुनाव से पहले की रणनीति थी और जिस तरह की उम्मीदें आप लोगों की थी, क्या सब कुछ उसी के मुताबिक है? देखिए, योजना बनाई जाती है, मोबिलाइजेशन किया जाता है, कैंपेन बिल्डअप किया जाता है और फिर अंतोगत्वा लोग ही तय करते हैं। बिहार में ऐसा क्या है कि ये बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पिछले 69 वर्षों में 25 साल कांग्रेस को गया और कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर उस प्रकार की राजनीति करके देश की आज़ादी के बाद उस चर्चा को लेकर के 25 साल तक बिहार में शासन किया। लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस ने वैसा कुछ दिया नहीं बिहार को, फिर परिवर्तन किया और फिर एक किसान के बेटा, एक भैंस चराने वाले के बेटे को हम लोगों ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उसने उस बात का खूब क्रेडिट लिया, लेकिन उसने भी 15 वर्ष उसमें लगाए बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। उसने सब सियासत, विकास को एक तरफ रख दिया, विधि व्यवस्था को एक तरफ रख दिया और बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर उसने 15 वर्ष लालू यादव ने बिहार चलाया और बिहार को पूरे दुनिया में हास्य का विषय बनाया, यहां तक कि चारा घोटाले में वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने के बावजूद भी उसे जेल जाना पड़ा और फिर उसने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। लोग उससे उब गए, जंगल राज की परिभाषा हम करते थे बिहार में, उसमें जीना दुर्लभ था सबके लिए। तंग आकर के लोगों ने कहा कि एक विकल्प है, हम लोगों ने विकल्प में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने ढूंढा। बीजेपी की संख्या उस समय विधायकों की ज्यादा थी, फिर भी हमने त्याग करके उनको स्वीकारा। विश्वास था उनमें, लेकिन उन्होंने नफरत की बोली बोलनी शुरू की है। उन्होंने सबसे पहले नफरत की भावना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ उन्होंने जहर उगलना शुरू किया। हरकत भी ऐसे की, आप सबको याद है कि किस प्रकार से खाने पर न्योता दे करके, और वो जहर उगलना शुरू किया देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और फिर कल्पना ख्वाब देखने लगे देश के प्रधानमंत्री का। लेकिन देश की जनता तो कमाल होती है, देश की जनता ने तय किया तो 10 वर्ष तक जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे या 12 वर्ष तक, उनको देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और आज नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे वो दोबारा बिहार के उस कुर्सी पर आए, तो एक बड़ा फर्क है। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जो पहल थी वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ शुरू किया। नफरत का भावना इतना था कि उसने, जब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब देश में प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जीतन राम मांझी को बना दिया मुख्यमंत्री। जीतन राम मांझी से भी नफरत हो गया, उनको लगा कि ये आदमी मेहनती है, काम कर रहा है, इसकी पैठ है, और इतने वो सत्ता के बाहर, सत्ता की भोग और सत्ता भोगी इस प्रकार से हो गए, सत्ता में रहने की आदि इस प्रकार हो गए कि वो, उनको लगा कि वो राजनीतिक रूप से असंदर्भित हो रहे हैं या सत्ता से बाहर है। उन्होंने जीतन राम मांझी को हटा के खुद कुर्सी पर आके बैठ गए। बिहार की जनता ये सब देख रही थी, सत्ता के लोभ में नरेंद्र मोदी जी के प्रति नफरत ने उनकी राजनीतिक नींव रखी थी। उतना ही नहीं हुआ, जब समय आया तो उनको लगा कि मुझे सत्ता में बने रहने के लिए लालू यादव से दोस्ती करनी होगी और उन्होंने लालू यादव तक से दोस्ती कर ली। जिस तरीके से बीजेपी कहती थी जातियों को लेकर या फिर बात जो होती थी अगले पिछड़ों को लेकर, उसी तरह की राजनीति का प्रवेश बीजेपी कर रही, ये आरोप है आपके विरोध में, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप उन्हें? हमने पहली बार कोशिश किया, लालू यादव ने बैकवर्ड फॉरवर्ड की जनता पर 15 वर्ष चलाए, नीतीश कुमार जात के राजनीति में उनसे एक कदम आगे चले गए, उनके दिमाग को सोचिए। जहां बिहार को जातिवाद से बाहर निकालने की कल्पना करते थे नीतीश कुमार, उन्होंने एक कदम और बढ़ा दिया और एक कदम बढ़ा करके उन्होंने पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दिया वोट के दृष्टिकोण से, दलित को भी महादलित में बांट दिया वोट के दृष्टिकोण से, और यहां तक कि मुसलमानों को भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मुसलमान में बांट दिया बिहार में नीतीश कुमार ने वोट के दृष्टिकोण से। अब वो फेज खत्म हो गया, बिहार में कुछ बचा ही नहीं है कि जात के नाम पर अब कुछ बांट सकते हैं। अब इन लोगों ने फिर से वही रेटोरिक शुरू किया है, लालू यादव फिर कह रहा है कि मैं बैकवर्ड राज बनाऊंगा, बैकवर्डों को अधिकार दूंगा,
नीतीश कुमार फिर महादलितों दलित की बात कर रहे हैं। पहले बार बिहार के नौजवानों के रिस्पॉन्स से लग रहा था कि थोड़ा सा परिवर्तन की गुंजाइश दिख रही थी, और वो परिवर्तन था कि आजकल यूथ कह रहा है कि इन सब चीज़ों से हट करके डेवलपमेंट हो, मुझे भी विकास चाहिए, मुझे भी आईफोन चाहिए, मुझे भी लैपटॉप चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी देश दुनिया में रिटेल सेक्टर में जॉब चाहिए, मुझे दुनिया भर में मेरी पहचान। लालू यादव, नीतीश कुमार ये पर्यायवाची के रूप में उभर के आए हैं। लालू यादव ने बिहार का अपमान बहुत किया, लालू यादव ने बिहार को तिरस्कार और हास्य का विषय बनाया। मैं बिहार से हूँ, 25 साल से मेरी राजनीतिक जीवन है, मैं लालू यादव को हराता हूँ, उनकी पत्नी को हराता हूँ, लेकिन कम से कम बिहार को मैं अपने कारण से हास्य का विषय नहीं बनने देना चाहता हूँ। और जिसको कहता है मैं कि आई एम अ प्राउड बिहारी, और पूरी दुनिया में मैं बिहार के नाम के साथ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मैं खड़ा होता हूँ और जब बिहार की चर्चा करता हूँ तो वहीं लोग तुरंत बिहार को लालू यादव से जोड़ करके हास्य का स्थिति बनाते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोगों को अनुभव है, बिहार के लोगों को ताकत है, अनुभव है, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, राज्य के प्रति प्रेम है, संस्कारी हैं। इन सब चीज़ों से जात पात के नाम पर कब तक हम इनका शोषण करते रहेंगे? पहली बार एजेंडा मूव किया था जात पात से जब नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया। नीतीश कुमार ने उसने कहा कि ये पैकेज नहीं है, और रिजेक्ट भी नहीं किया लेकिन स्वीकार भी नहीं किया, उस पर टिप्पणी करने लगे। लेकिन बिहार पहली बार विकास के एजेंडा पर चर्चा होने लगा। मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पर देता हूं, जो लोग भी अर्थव्यवस्था समझते हैं और बिहार को भी समझते हैं, चुनाव में हम हेलीकॉप्टर से सब जगह घूम रहे थे। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को बताया कि सर आप देखें कि पूरा बिहार घूमेंगे, एक जगह भी आपको धुआं नहीं दिखेगा, एक फैक्ट्री नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार के चारों तरफ बड़े बड़े शेड्स वेयर हाउसेस बन गए हैं। तो बिहार उपभोक्ता का क्षेत्र हो गया, हम मार्केट हो गए हैं, जिस तरह से कंज्यूमर मार्केट होता है। तो बिहार में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बिहार में प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन बिहार नीतीश कुमार लालू यादव में, क्योंकि 10 करोड़ लोग रहते हैं, 6 करोड़ 6.5 करोड़ मतदाता, वी हैव बिकम अ कंजम्पशन स्टेट। तो हम सब लोगों के लिए बाजार हैं। लालू यादव नीतीश कुमार ने बिहार को देश भर के उद्योग और देश भर के उद्योगपतियों के लिए, दुनिया भर के उद्योग और दुनिया भर के उद्योगपति के लिए बिहार को बाजार के रूप में बना दिया। लेकिन यही दोनों मैं कहूं कि लालू नीतीश आरोप लगाते हैं आपकी पार्टी पर और आपकी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे बिहार के लोगों का अपमान हुआ, बिहार का अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में आए हुए काफी वक्त हो चला है, लेकिन अगर बिहार के विकास की इतनी ही सुध थी तो अब तक विकास को लेकर उन्होंने कोई बड़ा पैमाना या कोई बड़ी योजना क्यों नहीं शुरू की? देखिए, थोड़े बहुत इन लोगों की समझ की कमी हो सकती है। केंद्र सरकारें आकर के राज्य सरकार की आर्थिक उन्नति के लिए उद्योग नहीं बैठाती हैं, नीतियां बना के। वही नीतियां जब गुजरात के लिए लागू है, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए, महाराष्ट्र के लिए, तो आखिर वो बिहार के लिए क्यों नहीं लागू है? बिहार के लिए अलग नीति की क्या जरूरत है? हम काम नहीं करना चाहते। हम मुख्यमंत्री के रूप में पैसा बांट करके, जातिवाद करके अपने कुर्सी बनाने की राजनीति करते हैं। बिहार के बारे में नीतीश कुमार ने कब सोचा है? जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित, वो सत्ता में बने रहने के लिए जो जात का ओपियम है, जात की नशा दे करके राजनीति, अब लोग समझ गए कि ये चलने वाला नहीं है। और सचमुच पूछिए तो ऐसी ही स्थिति जो उन लोगों ने पैदा की है, अब लोग में रिएक्शन है, नौजवानों में, यूथ में, महिलाओं में, बच्चों में, सब में रिएक्शन है कि नीतीश कुमार ने बहुत बेवकूफ बनाया है। क्योंकि एक आरोप ये भी लगता है कि जिस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं वो महज एक चुनावी पैकेज है, चुनाव के नाम पर दिया गया पैकेज है। मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री ने बिहार को 1,65,000 करोड़ देने की बात की, तो देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, अभी दिल्ली में 3.5 वर्ष बचे हैं और आगे भी कई दशक हम रहेंगे, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिसका कार्यकाल, और बिहार की जनता कभी भी हमसे अगले 3.5 वर्षों में पूछ सकती है कि आपने बिहार के लिए क्या किया, हम उसके जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम जवाब दे हैं, क्योंकि हम हैं बिहार में। अगर किसी को जवाब देना है कि उन्होंने क्या किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और लालू यादव को, कि उन लोगों ने बिहार में 25 वर्षों में क्या किया है, ये उत्तर लोगों के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। लालू यादव से नीतीश कुमार ने दोस्ती क्यों की, लालू यादव बिहार में क्या करते थे 15 साल, और नीतीश कुमार, ये रिपोर्ट कार्ड यदि बिहार की जनता को देके वोट मांगना है तो वो नीतीश कुमार और लालू यादव को। क्योंकि इन्हीं दोनों नेताओं का ये भी आरोप है कि जो बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की गई है, अगर बीजेपी बिहार में चुनाव नहीं जीतती है तो उस पैकेज का कोई भी पैसा बिहार को नहीं मिलेगा, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बिहार की जनता बहुत समझदार है, और बिहार की जनता
झगड़ेलू मुख्यमंत्री नहीं चाहती है। हम लोगों ने बहुत देखा, दिल्ली में आपने केजरीवाल साहब को देखा, दिल्ली की जनता ने कितनी आस्था के साथ उसे वोट दिया था। अब जब न तब उनको जब अपना एजेंडा पूरा नहीं करना है, अपना काम नहीं करना है, अपना गवर्नेंस नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, दिल्ली के लोगों के हालात सुधारने नहीं हैं, तो वो बार बार घूम फिर करके अब कभी दादरी की बात, कभी प्रधानमंत्री की बात ये करते हैं, क्योंकि उनका अपना अपने कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं है, तो लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। और झगड़ेलू मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, एक झगड़ेलू मुख्यमंत्री हैं, मतलब वही उनका छवि है कि झगड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। अब उनके नए दोस्त हो गए नीतीश कुमार, नीतीश कुमार भी अपना एजेंडा खत्म करके देश के प्रधानमंत्री को हमेशा कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, नफरत की टिप्पणी करते हैं। बिहार की जनता आज वैसा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं चाहती है जो नफरत की आग में जल रहा। बिहार की जनता ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है बिहार में जो दिल्ली के सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिला के चले। बिहार की जनता ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में चाहती है। रूड़ी जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम सवाल होंगे, बीजेपी की अंदरूनी रणनीति के बारे में चर्चा होगी, और आने वाले चरणों में बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं और क्या सबसे बड़ी चुनौती है, ये भी समझेंगे ब्रेक के उस पार। To a complete roundup of news from India and abroad, politics, strategy, business, sports, keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश, हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव, आपने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार झगड़ालू किस्म के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता नहीं जाती है, तो क्या बीजेपी के अंदर कोई एक साफ छवि का नाम सरसम्मत से नहीं आ पा रहा था, इसीलिए झगड़ालू मुख्यमंत्री में नाम नहीं इसीलिए घोषित किया गया, क्या वजह क्या है? क्योंकि आमतौर पर राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा होती रही है। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल है कि झगड़ेलू मुख्यमंत्री, देखिए नीतीश कुमार थोड़े ठीक थे, लेकिन जब से उनका लालू से संगत हुआ है तो सचमुच उनका डीएनए बिगड़ गया है, और हमारा ऐसा मानना है कि वो जिस प्रकार का हरकत करते हैं, जिस प्रकार की बोली और जिस प्रकार का नफरत उनके चेहरे से झलकता है, ऐसे सामान्य रूप से लोग नहीं करते। बिहार में मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, एक तो बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में, लालू यादव चाहते थे अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री घोषित कराना या अपने बच्चों को घोषित कराना, नीतीश कुमार भला ये कभी सत्ता किसी को बांट सकते हैं? दूसरा, लालू यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा हो चुका है उनको। ये भी अजीब है कि जो आदमी जिसको सजा हो चुका हो, जो कन्विक्टेड हो, जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता हो, लोकतंत्र में इस पर सवाल उठने चाहिए, घूम घूम कर स्टार कैंपेनर है और हम लोग उसका कैमरा लगा के फोटो लगा के बताते कि ये मेरा सिद्धांत है, जेल में गया हुआ व्यक्ति अभियुक्त, ये मेरे लोकतंत्र का सिद्धांत है और हम लोग उसकी वाहवाही करते हैं, टेलीविजन पर छापते हैं। खैर, ये चुनाव आयोग देखेगा, देश की जनता तय करेगी। तो और नीतीश कुमार सत्ता के बाहर रह नहीं सकते हैं, कांग्रेस का कोई अपना है नहीं, कांग्रेस किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकती, तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये महागठबंधन तब तक मैं नहीं बनने दूंगा जब तक मुझे तो मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं। तो ये झगड़े का संबंध था, ये झगड़े के माहौल में मुख्यमंत्री स्वीकार हुआ। पता नहीं लालू यादव कब तक मानेंगे उनको मुख्यमंत्री। बिहार की जनता जानती है कि जिस दिन उससे ऐसा स्थिति आएगा, लालू यादव पीछे से कुर्सी खींच देंगे उनका, नीतीश कुमार का। दोनों में भरोसा नहीं है, ये मजबूरी है, चंदन सांप कहा एक दूसरे को। नीतीश कुमार के दिल की बात लग गई कि मैं चंदन हूँ, ये सांप है। बीजेपी में सबसे ज्यादा चेहरे हैं बिहार के, से अगर मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात करूं या फिर केंद्रीय सत्ता में और बिहार के राज्य में भी, लेकिन इतने बड़े और तमाम कोई संकट नहीं है। अच्छी बात है ना कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई एक नाम, एक कोई चेहरा सामने आता है, मैं वहां आता हूँ। बिहार में अच्छा नाम आना चाहिए, अच्छा चेहरा आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा संकल्प बिहार के लिए भी वर्तमान में क्या है? हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, हमारे यहाँ सब नेताओं का ये संकल्प है। एनडीए के नेता हमारे साथ हैं, रामविलास जी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सबका ऐसा मानना है पहले ये नीतीश लालू का जंगल राज 2 का जो ट्रेलर है, जो आने वाला है, इसको खत्म करो और ये मिल करके इस काम में हम लगे। बिहार में जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, बिहार में नेता, बिहार में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 5 वर्षों में सींचा है, जिन्होंने मेहनत की है, जो वहाँ लगे रहे हैं, उनको ही पार्टी को चुनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
हम लोग देश के राजनीति में हैं और देश के राजनीति में हम लोग लगे, प्रधानमंत्री ने जिम्मेवारी दी है, स्किल डेवलपमेंट का काम दिया है, तो मैं हम लोग उस काम में लगे नहीं। बिहार से उतने जो 25 साल से वहाँ बिहार में विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, मंत्री रहे, पहली सरकार में वाजपेयी जी के साथ मंत्री रहे, अभी रहे, अब एक सेवा करने का मौका हमें मिला हुआ है। तो बिहार को जिसने राजनीतिक रूप से सींचा है, बिहार में कई ऐसे नेता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और झगड़े का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन जिस तरीके से रूड़ी जी आप मानेंगे, आपकी लोकसभा चुनाव में जब मोदी साहब का चेहरा आगे किया गया, उसका एक बहुत ही, मैं कहूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा और बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली। आपको नहीं लगता कि इसी तरह के, अगर मैं कहूँ कि कॉम्बो के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में जाते तो शायद उसका ज़्यादा फायदा मिलता, क्योंकि जब आप हमला कर रहे हैं, देखिए हमारे पास फॉर्चुनेट है, हमारे पास देश के प्रधानमंत्री हैं जो नेता भी हैं, लोगों की शान है, आंखों के तारा हैं, सब लोग जानते हैं, और बहुत मांग है साहब, जो भीड़ उमड़ के आती है, जिस तरह से नौजवान आकर्षित होते हैं, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक कोई फर्क नहीं है, लोगों का बड़ा भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और बिहार के लोगों का भी बड़ा भरोसा है। जिस तरीके से बिहार के बीजेपी के कई नेताओं के बयान आए पिछले, मैं कहूँ कि करीब 25-30 दिन के दरमियान, रूड़ी साहब, ऐसा लगा कि वो नेता अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं। देखिए बहुत नेता, कम से कम थोड़े बहुत टिप्पणियाँ हो जाती हैं, लेकिन अंतिम सिद्धांत जो है बीजेपी में कि लालू नीतीश को उखाड़ फेंकना है, बिहार के हित में है, वही काम में सब लोग लगे हुए हैं। और हाल के दिनों में जिस तरीके से कुछ घटनाएं हुई जिनको लेकर आपको लगता है, चाहे वो मामला दादरी से जुड़ा हुआ हो या फिर रिजर्वेशन को लेकर जो बयान आए, इससे कहीं बिहार में पॉलिटिक्स में आपको इम्पैक्ट? रिजर्वेशन के बारे में स्पष्ट है कि जो संविधान में प्रावधान है हम उसके प्रति कमिटेड हैं, आरक्षण के प्रति कमिटमेंट है, और इसमें कहीं कोई फेरबदल की या छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो बयान आया आरएसएस की ओर से, उसके बाद जो प्रतिक्रिया बीजेपी ने दी, उसके बाद जो गैप था, आपको नहीं लगता कि इसका फायदा विरोधी गठबंधन ने उठाया? देखिए इन सब विषयों पर तो हम लोगों ने बहुत दिन तक राजनीति की है, बिहार एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है और उसमें बड़े परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं, लोग इस विश्वास से कि ये 50 साल के शासन के बाद एक ऐसा शासन लाओ जो बिहार को नया रूप दे सके, नया नई दिशा दे सके, उसकी तरफ हम सब चल पड़े हैं। और जिस तरीके से आपके सहयोगी हैं, क्योंकि दोनों तरफ गठबंधन है और दोनों तरफ साथी ऐसे हैं जो कुछ साल पहले तक या तो विरोध में थे या फिर साथी नहीं थे। देखिए वहाँ जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन में पता चला था कि समाजवादी पार्टी भी है, पता चला कि एनसीपी में है भी है, पर पता नहीं उनके व्यवहार के कारण क्या हुआ, महागठबंधन में से दो प्रमुख लोग निकल के चले गए। और ऐसा महागठबंधन है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनकी जब अध्यक्ष सोनिया जी पटना जाती हैं तो महागठबंधन के रैली में उनको वार्म अप स्पीकर बना देता है कि भीड़ के पहले जो जो होता है बोल लीजिए और उसके बाद लालू यादव नीतीश बोलते हैं, तो कोई महागठबंधन नहीं है और बहुत प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपके जो साथी हैं, उन साथियों की अगर तुलना मैं करूं और इन चुनाव में जिस तरीके की उनकी इच्छा रही है, सीट बंटवारे के दरमियान जो दिखा था एक थोड़ा सा, आपको लगता कि ये आगे जाकर मुश्किल नहीं? सब बड़े समझदार नेता हैं, सब बड़े मैच्योर नेता हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, चाहे वो रामविलास पासवान जी हों, चाहे उनके पुत्र चिराग पासवान जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जीतन राम मांझी हों, या उनके दल के बहुत सारे नेता हैं, सब बड़े सुलझे हुए लोग हैं, इसलिए कोई कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठता। हाल के दिनों में एक बयान जो बीजेपी की ओर से भी काफ़ी आया और विरोधी इसको लेकर हमला करते थे, वो था कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें अमित शाह जी ने कहा कि एक बिहारी ही मुख्यमंत्री होगा, कम से कम उन्होंने इतना साफ किया। लेकिन सवाल यह कि इसे कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है रूड़ी साहब, आपको नहीं लगता कि रणनीतिक लिहाज से बार-बार कहना कि बिहारी होगा कि बाहरी होगा, तो बाहरी का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये बाहरी की टिप्पणी करके लोग तिरस्कार और अपमान करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार यही करते हैं क्योंकि पूरे ज्ञान के भंडार हैं और सबसे बड़े देश के वक्ता अपने आप को मानते हैं और सबसे समझदार मानते हैं, तो वैसे व्यक्ति से ऐसे ही बयान आएंगे कि बिहार कौन राज करेगा, बाहरी करेगा या बिहारी करेगा, तो हम फिर से कहना चाहेंगे कि बिहार में राज बिहारी करेगा लेकिन भाजपा और एनडीए का करेगा, यही फर्क है उनकी सोच में और हमारे फर्क में। लोकसभा चुनाव में रूड़ी साहब बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव प्रचार होता था वहां पर चुनाव का एजेंडा सेट करती थी, मुद्दे तय करती थी, बिहार में ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी विरोधियों के तय मुद्दे पर सफाई देती है। विरोधियों के मुद्दों पर नहीं, जब लालू यादव जैसे व्यक्ति अनाप शनाप बोलेंगे और बिहार के लोगों को भड़काएंगे, कभी बीफ के नाम पर, कभी गाय के मांस, हिंदू देश के हिंदू गाय के मांस खाते हैं और इसको डिबेट में लाएंगे, कभी कुछ भी बोल सकते हैं,
उनके उनके बोलने का कोई सीमा नहीं है, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम करते हैं। अगर समाज को सबसे ज़्यादा बांटने का काम किया है तो लालू और नीतीश ने किया है बिहार में, और उस पर ही उनको वोट मिलता रहा है और वही उस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहरा रहे हैं। दोनों नेताओं में सबसे ज़्यादा खतरा बीजेपी को किससे लग रहा है? मौका ही नहीं मिलेगा इन लोगों को किसी से खतरा उत्पन्न करने का। ये तो दोनों, जिस दिन नीतीश कुमार ने लालू यादव से दोस्ती कर ली उस दिन उनकी विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त होगी, और उसी दिन तय हो गया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार बनेगा। करप्शन एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में दिख रहा है, क्योंकि हाल की अगर मैं रैलियों को देखता हूं तो ऑलमोस्ट सभी नेताओं के प्रचार में ये मुद्दा रहता है। लेकिन करप्शन को लेकर नीतीश कुमार वापस हमला करते हैं कि आपकी पार्टी के कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, फिर नेता हैं जिन पर आरोप लगते रहे, उस पर कार्रवाई नहीं होती, कैसे खुद को आप? और इसलिए बार बार उनके हर दिन दूसरे दिन उनके कोई मंत्री जेल चले जा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में। इसलिए नीतीश कुमार, ईमानदारी की बात करें, बड़ा हास्यास्पद है। किसके साथ वो पार्टनर है? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि ये अभियुक्त हैं, उनको सजा सुनाई गई है, और वही सबसे बड़े सिद्धांत और सिद्धांतवादी, नीतीश कुमार के सिद्धांतवादी और प्रेरणा आज लालू यादव हैं। तो जब वो व्यक्ति जो बिहार का अभी मुख्यमंत्री है, जब यहाँ तक सत्ता के लोभ में झुक सकता है, तब वो व्यक्ति अगर सिद्धांत की बात करें, बहुत ही हास्यास्पद है। तो क्या कहा जाए कि बिहार का इस बार ग्रहण सिद्धांतहीन है? नहीं, लोग सिद्धांतहीन नहीं है, मैं कहूँ कि चुनावी लड़ाई इस बार नहीं, लोग नहीं है ना, लोग तो सिद्धांत पर चलेंगे, सोच पर चलेंगे, विकास पर चलेंगे, दिशा के लिए चलेंगे, बिहार के उस लॉस्ट ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए चलेंगे, बिहार के उस अपमान को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए चलेंगे। इसलिए बिहार बहुत आगे है। क्योंकि रूडी साहब ये तो मानेंगे कि आपकी, अगर आप लालू यादव के बयानों की आलोचना करते हैं या कई लोग करते हैं, तो फिर बीजेपी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिस तरह के हर रोज मैं कहूँ कि बयान आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि होड़ सी हो गई है। नहीं, वो कई बार ये कई चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, और हम लोगों को उस लेवल तक नहीं उतरना है जो लालू यादव जिस प्रकार का हरकत करते हैं और बयान देते हैं। और माइक पर बोलते बोलते माइक वाला अगर गलती कर गया, माइक बंद हो गया, तो उसको कहते हैं मैं उठा के पटक दूंगा तुमको, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मदारी की तरह करते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपशब्द का उपयोग करते हैं, और पत्रकार लोग उनको, उन पर उनकी आरती उतारते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर हम ऐसे करें तो अगले दिन कहेंगे कि कैसा व्यक्ति है। हम लोग, मैं और लालू यादव एक ही क्षेत्र से, हम चुनाव लड़ते हैं, हारते जीतते वही हैं, और इस पर मैं जीता हुआ हूँ। लेकिन आज आप सब लोगों, किसी को ये पता भी नहीं होगा देश में कि मैं पिछले 25 साल से किससे लड़ता हूँ। तो अखबार टेलीविजन भी वैसे ही लोगों की चित्र उभारती है जो इस प्रकार का संकट सिस्टम में पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको ख़त्म करना होगा। अच्छे छवि के लोगों को राजनीति में, वैसे लोगों को प्रोत्साहन देनी होगी, वैसे लोगों को लागे लाना बिहार की एक बड़ी ज़रूरत है, और मुझे लगता है इस पर बिहार की जनता, बहुत हो गया ना 50 साल इस सब ताकतों को देखा, एक नई ताकत पहली बार नई भाजपा की सरकार के लिए लोग ललाए थे। अब सवाल ये उठता है साहब कि अगर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से बढ़ेगा आगे हर चरण के बाद मतदान होगा, साथ ही आप लोगों ने पहले से तय कर लिए हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है। गठबंधन को बहुमत मिलेगा, गठबंधन को बहुत बहुमत मिलेगा, और इसी प्रकार के सवाल लोकसभा चुनाव के पहले हमारे दिल्ली में बीजेपी को, तो हम लोगों ने 272 प्लस दिया था और हम लोग 282 पहुंच गए। बिहार में भी हम लोग 160 सीट लड़ रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं हो कि बीजेपी को अपनी अपनी ताकत पर बहुमत मिल जाए, लेकिन एनडीए के जो हमारे साथी हैं उनके साथ रहेंगे, जिस तरह से दिल्ली में भी हैं, हमारी बहुमत होने के बाद भी हम उनके साथ थे, ये हमारा कैरेक्टर है, उसी प्रकार से बिहार में भी हम साथ रहेंगे और हम मिलजुल कर सरकार चलाएंगे, क्योंकि उनका भी वही संकल्प है जो हमारा है। एक आखिरी सवाल रूडी साहब कि जिस तरीके का पूरा चुनाव प्रचार अब तक रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार अभी भी जाति और धर्म, या फिर मैं कहूँ कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनसे बाहर नहीं आ पाया है? आएगा बिहार, उसको नेतृत्व नहीं मिला, बिहार को मौका नहीं मिला, बिहार को सोच नहीं मिला, बिहार को विजन नहीं मिला, दिशा नहीं मिला। हमें लगता है भाजपा और एनडीए के पास वो अब ताकत है, हम बिहार को नई दिशा देंगे, बिहार के उस लॉस्ट ग्लोरी को रिस्टोर करेंगे, भगवान बुद्ध महावीर की धरती, गुरु गोविंद सिंह की धरती, उसके उस भव्यता को स्थापित करेंगे। और दुनिया भर में जो इन नेताओं ने बिहार को बिहारी कह के अपमानित किया है, उस अपमान से बाहर निकालेंगे। और ये मैं देश और दुनिया में देखता हूँ कि किस प्रकार से लोग हमें, मुझे नहीं, लेकिन जब भी कभी बिहार के बारे में होता है तो मुझे लगता है कि बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय के लिए ऐसे ही लोग जिम्मेवार हैं, चाहे वो कांग्रेस के शासन में थे या लालू यादव हैं
या फिर जो व्यक्ति जिसको हम कहते हैं रिपोजिटरी ऑफ विस्डम, नीतीश कुमार, क्योंकि ज्ञान के वो भंडार हैं और जो कुछ उनसे निकलता है वही ज्ञान है, वही विकास है बिहार का, दूसरे के से नहीं। तो ऐसे लोगों से तो बिहार को हमको परे करना पड़ेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तरकश के आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, वक्त ब्रेक का है, बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।